Well, the Supreme Court is coming down hard on VVIPs who refuse to leave government homes. It has said that ministers, MPs, judges, and all government officials will have to leave government homes within a month of retirement. The apex court has said, if needed, force must be used to evict the VVIP squatters. And the Supreme Court has also directed that henceforth, no memorials can be built at government residences. Arthur Khan, Headlines Today Associate Editor, is joining us on the phone line. Arthur, just tell us in detail how the Supreme Court has come down hard on VIP squatters. Well, this was a SLP which was filed by Mr. S.D. Bandi from Karnataka, and it had taken the shape of a PIL. Now we have learned that the Supreme Court has given a ruling on this case, and it includes not just the bungalows in which the judicial officers are overstaying, but also the Member of Parliament who have been staying in these bungalows. So the ruling has come out. The details are yet to be known. The order is yet to be seen by us. All right. We also have Kumar Vishwas, the Aam Aadmi Party leader, joining us on the phone line. Kumar, clearly a welcome move there by the Supreme Court, but it says a lot that the Supreme Court has to intervene in a matter where we see a lot of VIP squatters, a lot of MPs, MLAs, and not just these people, but also government officials who continue to squat on government-provided residences. इसमें दो बातें हैं. एक तो बात यह है कि देश में पिछले दिनों जो भी कुछ हो रहा है, उसमें कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ रहा है? चाहे कोयला हो, चाहे 2G हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, हर काम में सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह आना पड़ रहा है या बाकी को जो बेंचेज है उनको आना पड़ रहा है, ये अपने आप में किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है. इस देश में कोर्ट राज्य है या लोक राज्य है, इस पर तय करना पड़ेगा. और ये दोनों जो चीजें हैं, इनका कॉकस है, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का एक कॉकस है. आप देखिएगा कि मिसेस गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, तीनों के जो पर्सनल सुरक्षा अधिकारी थे, जो एक सामान्य कैडर के लोग थे, आज वो हिंदुस्तान में तीन अलग अलग प्रदेशों के राज्यपाल बने बैठे हैं. यानी कि ब्यूरोक्रेट को समझ में आ गया, लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेके अपर ब्यूरोक्रेसी तक को, कि अगर आप प्लीज रखोगे इस पॉलिटिकल रैलम को, इस पॉलिटिकल प्रोसेस को, तो आपको कहीं ना कहीं ठीक नियुक्ति मिल जाएगी. और इसी का सारा लेकर वो आगे बढ़ते रहते हैं. हमने पहली बार इनिशिएटिव लिया कि दिल्ली में, हमने मैनिफेस्टो में कहा कि अगर किसी भी दिल्ली में किसी के पास एक मकान है और वो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी का, अगर वो जीतता है या मंत्री बनता है, कुछ भी बनता है, उसको मकान नहीं दिया जाएगा, उसको कोई सरकारी बंगलो नहीं दिया जाएगा. एक तरफ आवास की समस्या में जूझती हुई दिल्ली है, एक तरफ 5-5 एकड़, 10-10 एकड़ के मकान है जिन पर वर्षों से कब्जा किया हुआ, ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिन लोगों का उनसे कोई मतलब नहीं है. चंद्रशेखर लोहिया जैसे बड़े नाम, जो समाजवाद के बड़े प्रतीक है, उनकी जगह कब्जे में कर ली और आपस में मिली भगत है. बहुजन समाज पार्टी का आप कार्यालय देखिए किस जगह पर उन्होंने उसका कब्जा किया है और सरकार ने दिया है. या सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस 15-15 हजार रुपए साल के किराए पर है, 18,000-15,000 रुपए साल. ये जो मॉकरी है, जो मजाक बना रख दिया है इन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रोसेस का, जो ताकतें हमने इन्हें दी अपने अपने टैक्स के माध्यम से, अपनी वोट के माध्यम से, उसका मजाक बना दिया. और ये अच्छी बात है कि अल्टीमेटली कोर्ट ने संज्ञान लिया और मीडिया उस खबर को दिखा रहा है, तो कम से कम एक पॉलिटिकल ग्रेजुएशन इस देश में हो रहा है. लोग समझ रहे हैं कि किस तरह उनका दुरुपयोग ये पार्टियां करती रही. Kumar, it's a very interesting what the Supreme Court has said. It's in fact framing some of the guidelines, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं कि बहुत जरूरत है पर कि इस तरह से जो स्क्वाट करके बैठे होते हैं VIPs, उनको रिमूव किया जाए. और एक तरह से ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह कोर्ट को इन मामलों में इंटरवीन करना पड़ता है. पर इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये भी है कि अगर फोर्स यूज करने की जरूरत पड़े तो वो भी की जाए, अगर कोई MP या गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने ऑफिशियल बंगलों को विकेट नहीं करता है. नहीं, इट इम्प्लाइज दैट, इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि हमारे राजनेता और हमारी राजनीति इतनी बेशर्म हो चुकी है कि फोर्स इम्प्लाय करनी पड़ेगी. ये कितनी अशुभ बात है कि एक देश का निर्वाचित सांसद या मंत्री जो रहा हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि आप पुलिस लगाइए लेकिन इनका सामान बाहर फेंकिए. इसका मतलब जो इज्जत है पॉलिटिकल सिस्टम की, हम जब बार बार कहते हैं कि रॉटन हो चुका है, इसमें से बदबू आ रही है, अब इसको बदलना पड़ेगा, नए कानून बनाने पड़ेंगे, नए नियम बनाने पड़ेंगे, तो वो कहते हैं कि आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं. आप लोग दरअसल वो जो सामने बैठे हुए कुछ चेहरे हैं, उनको लोकतंत्र का प्रतीक बनाना चाहते हैं, वो सांसदों को संसद बताना चाहते हैं, वो राजनेताओं को राजनीति बताना चाहते हैं, जबकि राजनेता अलग है और राजनीति अलग है. वो राजनीति कर ही नहीं रहे हैं जो राजनेता है. आप देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिया था और आज देश के पूर्व रेल मंत्री को मुखबिर बनाया जा रहा है. उनसे कहा जा रहा है तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, तुम अपने भांजे के खिलाफ गवाही दे दो, दस्तक बता दो. तो ये कितना शर्मनाक हमारे लिए क्षण है. और लेकिन एक विमर्श, एक एजेंडा शुरू हो गया है, एक थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर हो, चाहे मीडिया के लेवल पे हो, चाहे जो हमने पॉलिटिकल पहल की आम आदमी पार्टी के रूप में उससे हो, सब तरह एक प्रोसेस शुरू हुआ है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है. मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं पार्टी की ओर से भी, अपनी ओर से भी, और मुझे लगता है इससे काफी चीजें सुधरेंगी.
All right, we also have Manish Sisodia from your party again joining us on the phone line. Mr. Sisodia, clearly it's a symptomatic of the larger problem that exists, considering that these aren't just MPs and MLAs, but even retired judges, government officials who continue to squat on government bungalows and official bungalows that they're given during their tenure, and long past their retirement, they refuse to vacate these premises. Now, Supreme Court finally intervening, setting up some guidelines, and in fact also saying that if force needs to be used, then so be it, but these bungalows must be vacated. बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ये, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता के पैसे पे, जनता के मेहनत की कमाई के पैसे पे उठा उठा के इस तरह के खर्चे करते रहना और ओवर स्टेइंग करना, ये तो मिसयूज है, सीधा सीधा मिसयूज है. ये डेमोक्रेसी को डिमीन ये कर रहा है, ये पॉलिटिक्स को डिमीन कर रहा है. हमको बार बार कहते हैं कि आपके एड, आपके पोस्टर, आपके होर्डिंग्स पॉलिटिक्स को डिमीन कर रहे हैं. ये है डिमीनिंग. अलग अलग सरकारी नौकरियों को डिमीन कर दिया, पॉलिटिक्स को डिमीन कर दिया, इन लोगों ने कर दिया. और अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अगर ये लोग खाली करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जगह नहीं मिल रही. और मुझे तो लगता है अगर ओवर स्टेइंग कर रहे हैं और अगर सरकार के पास में ज्यादा जगह है तो स्टूडेंट्स को दें. दिल्ली में लाखों स्टूडेंट्स दर्दों में बसने को मंजूर है, उनको हॉस्टल्स में जगह नहीं मिलती है. वहां हॉस्टल्स बनाना, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल बनाए जाने चाहिए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, खेलने के पार्क बनाए अगर ज्यादा जगह है तो. फालतू में ऐसे लोगों को क्या दिया जाए जिसको ओवर स्टेइंग कराया जा रहा है. Manish Sisodia and Kumar Vishwas, of course, Aam Aadmi Party, welcoming the move by the Supreme Court. Thank you both for joining us. We also have Abha Singh, senior lawyer and activist, now joining us on the phone line. Ms. Singh, doesn't it in a way reflect the sense of entitlement that some of our government officials or MPs or MLAs or representatives come to revel in after they're given official position, official bungalows, and Supreme Court now finally stepping in, giving out guidelines and also setting up a time frame? The Supreme Court has actually set a time frame of 1 month for these VIP squatters to be removed. The Supreme Court judgment is a great welcome, because if you see, it gives a very wrong message to the society that senior bureaucrats, senior politicians who are breaking the law themselves, these are the persons who are supposed to uphold law of the land, and by not vacating government quarters, by breaking the laws, message went that if these people can break laws, why not the common man? Also, these are highly paid officials, they have their own private bungalows, and it is seen that their own private houses are on rent and they keep continuing to occupy the government houses. Also, secondly, it is also seen that even if they are not saying it is their relatives, it is their party workers who keep occupying the houses, when in reality senior officers who are in dire need of houses, who cannot put their children into schools in their areas because their houses are deprived, they continue facing grave difficulty. So this should have come much earlier, but even now if Supreme Court has taken a stand, it is a great welcome. And also not only putting up a time frame of 1 month, but also the high penalty they should be made to pay, because these are very well-placed officers. And what is seen that even after they retire, they don't vacate these government houses because they keep applying for after-retirement jobs and after-retirement extensions. Right. So this will be a very good sign that we will cut short these aspirations of these officers also. A welcome move which is being hailed by almost one and all. We also have Mr. Subhash Agarwal. He is an RTI crusader. Mr. Agarwal, could you give us a sense of, at least in Lutyens, Delhi, how many of these houses are squatted on by our representatives, be it MPs, MLAs, retired judges, government officials? Now, right now, I don't have the statistics before me because the judgment has come when I'm outside my office. But it is definitely a welcome judgment, and it needs more to be rectified, because in respect of 6 Krishna Menon Mark, New Delhi, which is unauthorizedly encroached by some person on behest of sitting on high post, that should also be vacated. And director of a state has not given that bungalow in the list to the Supreme Court that was placed before Supreme Court. And there may be still more some cases like this. And these two should also be looked into.